जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मौसम बन गया है, बादल आने लगे हैं बारिश के लिए, ठीक है। और इस वक्त अभी बहुत तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन इस वक्त अभी हवा कम चल रही है, ठीक है, लेकिन मौसम बन गया है बारिश का। ये देखिए बस दुआ करें अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक कराची में भी बारिश दे दे ताकि थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये इस वक्त हमारे नीचे का है, ठीक है, मैं अपने रूम में आई हूँ उस वक्त, ठीक है। मैंने कहा चलें आप लोगों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से जो है ना मौसम का भी ब्लॉग शेयर करें। ये देखिए आप, ये कबूतर बैठे हैं, तकरीबन चार जोड़े कबूतर बैठे हैं, और इस वक्त हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आंधी आएगी। ये हवा चल जाती ना, ये बारिश रोक देती है, बिल्कुल बारिश रोक देती है। ये देखें पर्दा हिल रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये हमने पर्दा लगाया हुआ था क्योंकि कमरे में ना बहुत गर्मी होती है, तो बाहर हम यहाँ पर्दा लगा लेते हैं सुबह के टाइम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से और ठीक ठाक हूँ भाई। आज हमारे घर में, हमारे शहर में और हमारे इलाके में अल्लाह की रहमत बरस रही है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब गर्मी में शिद्दत कम हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इस वक्त कराची में, और इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं छतों से पानी गिरता हुआ, छत से पानी गिरता हुआ देख रहे हैं आप लोग, तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बाकी मैंने बैक कैमरे सभी बनानी है आप लोगों को, फुल दिखानी है इस वक्त बारिश के, हमारे घर में बारिश हो रही है, और गर्मी इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, गर्मी इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस यही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश हो गई है, अब थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, अब थोड़ी सी सुकून की नींद आएगी, वरना ना ही नींद ना ही सुकून, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखें इतने मोटे मोटे इस तरह के दाने भी हो गए हैं, गर्मी के दाने हो गए, कभी दाने नहीं निकले हैं, और अभी आम नहीं खाए हैं फिर भी इतनी गर्मी दाने निकल चुके हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है, सब अपनी छतों पर इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, और हमारी छत नहीं है, हम अपने रूम के गेट पर आके यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए भाई, बारिश होते हुए हमारी छत से पानी टपक रहा है नीचे, ठीक है, बारिश हो रही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे आसमान पे बादल भी बहुत ज़ोर शोर से बोल रहे हैं और पानी लेके आ रहे हैं भाई। बादलों जल्दी जल्दी पानी लेकर आएँ और अच्छी सी बारिश हो जाए, ताकि हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में गर्मी कम हो जाए। वैसे भी अल्लाह पाक जहाँ जहाँ गर्मी हो रही है, गर्मी की शिद्दत को कम कर दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा गंदी है, और सर्दी भी इसी तरह की गंदी है, और गर्मी भी, गर्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है बाहर गली में, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये देखें आप, बारिश बारिश होते हुए, ठीक है, तो चलें फ्रेंड्स नीचे चलती हूँ, फिर नीचे आपसे वीडियो अपनी शेयर करते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश हो गई है, और खैर अभी तो गर्मी हो रही है, बारिश के बाद उम्मीद करती हूँ अल्लाह से जन्नत पाक गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ना ही रात को हम लोगों को नींद आती है, ना ही दिन में आती है, समझ लें नींद वगैरह तो हमारी पूरी नहीं हो रही है। और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में किस किस के घर में ज़्यादा गर्मी होती है, और हमारा ऊपर का कमरा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और हमारे रूम में जो है ना तीनों चारों साइड पर धूप लगती है, सुबह जो लगता है सूरज निकलने के बाद ना, वो हमारे कमरे में ही आ जाता है सूरज, इस कदर की गर्मी होती है। और इस वक्त जो है ना बारिश हो रही है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, और इस वक्त मूड हो रहा है गर्म गर्म चाय पीने का, क्योंकि बारिश में चाय पकौड़े वगैरह अच्छा लगते हैं, लेकिन पकौड़ों का तो इस वक्त दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अकेली भी हूँ इस वक्त, और हस्बैंड गए हैं काम वगैरह देखने के लिए, तो आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह का हस्बैंड का काम लगाए रखे, काम मिल जाए, रोज़गार लग जाए उनका, अल्लाह उनको कामयाब करें। मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ किया करें, और मैं तो रात दिन दुआ करती हूँ सबके लिए, दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबकी अल्लाह आसानी करे। इस वक्त सभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का एहसास है, और बारिश हो बहन भाई है, तो मैंने सोचा गर्म कमरे में, रूम में तो बहुत गर्मी हो रही है, अच्छा ये रूम जो है मेरी भाभी का है, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप जिस रूम में वीडियो बनाती हैं तो वो रूम किसका है, आपका है तो या किसी और का, तो मैंने कहा हाँ ये रूम मेरी भाभी का है, भाई का है, क्योंकि मेरे भाई की पोर्शन है, और मेरा रूम जो है ना वो है ऊपर सामने वाला। जी मेरे प्यारे बहन भाई हो, तो इस वक्त मैं जो है ना बारिश के मज़े ले रही हूँ, तो ये देखिए बारिश, और
बारिश में भीगना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश में नहाना भी चाहिए, जो ये दाने वगैरह होंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो बातें ये हैं जैसे कि है, क्या कहते हैं, पार्क विलेज लाइफ, ठीक है। वो मेरी एक सिस्टर का चैनल है, ठीक है, और उनका नाम निशा है, और निशा के जो वालिद की शादी हो रही है, लेकिन शादी का ना कोई टाइम टेबल नहीं होता। अब उनकी स्टेप मदर आ रही हैं या ये शादी का टाइम है, तो अल्लाह ताला ने जो दूसरी शादी का टाइम लिखा था तो वो उसी टाइम शादी होनी है, स्टेप मदर उनकी उसी वक्त ही आ रही है। बाकी आप लोग ये कहना छोड़ दें कि आपके फादर की उम्र बहुत बड़ी है और आपकी मदर बहुत छोटी हैं, और मदर जो ना आपकी जैसी लगती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। छोटा बड़ा चलता है, 10 साल का 15 साल तक की एवरेज मुझे लगता है कि कोई मायने नहीं रखता है, कोई छोटे बड़ा का इतना नहीं होता। और आप ये देखें कि वालिद को दूसरी शादी करेंगे उनके साथ, जिनके साथ उनकी शादी हो रही है, तो उनको तो सवाब मिल रहा है, क्योंकि उनको एक बेटा भी है छोटा सा, तो उस बेटे को भी जो है ना उनको फादर मिल जाएंगे, वो अपने बाप से जो महरूम है उनको बाप की मोहब्बत मिल जाएगी, शफकत मिल जाएगी। तो आप लोग इस बात से खुश होया करें, और ना कि ऐसे कि आप लोग जो है उनको बैड कमेंट करना शुरू कर दें कि भाई आपकी जो है ना आपके बाबा की कौन सी उम्र है, आप कौन सी उम्र में शादी कर रहे हैं, और वो जिनसे शादी कर रहे हैं उनको कम उम्र लगती हैं। तो ऐसा नहीं कहा करें, दिल दुखता है, और खैर अच्छी बात है, तो उनका भी घर बच जाएगा, उनसे मेरी बहन है जिसकी शादी हो गई है। और बाकी रहा कि उनके बेटे की, तो देखिए बेटा भी माशाल्लाह से बड़ा है, और अच्छी बात है, वालिद की शादी से पहले या साथ साथ अगर बेटे की भी शादी हो जाती है तो बहन गुड है, अच्छी बात है। अपनी फैमिली, अपना घर, यानी अपने खर्चा आराम से उठाएंगे और किसी में मकाज नहीं रहेंगे, फिर स्टेप मदर अपने शौहर को देखेंगे, अपने बच्चे को देखेंगी। तो मैं ये कहती हूँ कि गलत है, ठीक है, अच्छी सोच रखा करें जी मेरे बहन भाइयों। और मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने जो ये स्टेप उठाया है बहुत अच्छा उठाया है, अल्लाह पाक इस नेकी के सिले में भी जो ना बहुत सारे इनको नेकियाँ मिलेंगी, क्योंकि किसी के साथ शादी कर रहे हैं और किसी बच्चे को जो ना फादर की मोहब्बत देंगे, वालिद की और शफ़त की, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगी अल्लाह का लड़की की भी अच्छी रखे, और शादी जब होनी है ना, जो टाइम अल्लाह ने लिखा है उसी टाइम उनके सैलरी के फुल करनी है। अब वो देखिए, शादी इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, और वो 4 शादियाँ कभी भी कर सकते हैं आप लोग, किसी भी उम्र में किसी भी एज में आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ना कहा करें किसी को भी, दिल आज़ारी होती है, दिल दुखता है। और निशा जो मेरी बहन है, सिस्टर वो जो होती है लाहौर में, वो खुद भी छोटी सी लगती हैं और बहुत प्यारी सी हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और उनके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनके ब्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ, और मैं उनकी फ़ैन भी हूँ, और उनकी पूरी फैमिली के ब्लॉग बहुत अच्छे आते हैं वो बहन के। अच्छा अब ये देखें आप, निशा जो बहन है, उन्होंने अपनी बहन नीता की हेल्प करी। देखें बहनें बहन के काम आ जाती हैं, और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। उनको मोबाइल लेके दिया है ताकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के मोहताज नहीं बनेंगे, अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना रखें, मैं ये कहती हूँ। तो अपनी मेहनत खुद करेंगे, अपना घर चलाएंगे, अपने घर बाजार पूरे करेंगे, तो उनको भी जाके नीता फैमिली का भी सपोर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही कहूँगी कि इस वक्त हमारे घर में बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वही मेरा को भेजा बारिश है, मैं कुछ भी जाऊँ कुछ नहा लूँ, भी देखिए बारिश, मुझे देखिए बारिश आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलें फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आने वाले हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप भी सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और बस यही कहना था कि आज छोटे से जब आपसे शेयर किया है, बाकी अपने छोटी वाली बहन से कहती हूँ कि भाई मेरे लिए एक कप चाय बनाएं ज़बरदस्त, और अच्छी सी वो चाय ज़बरदस्त बनाती हैं। तो बस अभी उनसे कहते हैं, और उनसे बोलते हैं कि मेरे लिए एक कप चाय लेकर आएँ, और चाय इन्जॉय करते हैं, और यहाँ आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। और उम्मीद करूँगा आपको आज के ब्लॉग पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भी कीजिएगा, और सबसे मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिए फैमिली को, ओके, अल्लाह हाफिज़।